इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉइड मोबाइल में जो फ्री फायर गेम है तो इस गेम को आपको एलईडी टीवी में प्ले करके उसमें कैसे खेल सकते हो। तो फ्रेंड आप भी यूज करते हो एंड्रॉइड मोबाइल, लेकिन मोबाइल में जो फ्री फायर गेम खेलते हैं तो इस गेम को आपको एलईडी टीवी में प्ले करके उसमें खेलना है तो वह आपको आसान तरीके कर सकते हो। लेकिन हमारे पास कई सारे जो स्मार्ट एलईडी टीवी नहीं है तो आपको किसी भी टीवी में फ्री फायर गेम को प्ले कर सकते हो। तो आपको कैसे करना है तो फ्रेंड जो सभी प्रोसेस है तो इस प्रोसेस आज की वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब आप हमारे इस तरह वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो फ्रेंड इस हमारा जो एलईडी टीवी और इस हमारा जो एंड्रॉइड मोबाइल है तो मोबाइल में जो फ्री फायर गेम है तो उसको हमें टीवी में कनेक्ट करके उसमें हमें प्ले करना है। तो इस हमारा जो एंड्रॉइड मोबाइल है तो मोबाइल को हमें सबसे पहले टीवी में कनेक्ट करना है। तो टीवी में कनेक्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो एनीकास्ट का यूज करना है, क्योंकि इस हमारा जो एलईडी टीवी है वही हमारा स्मार्ट एलईडी टीवी नहीं है तो इसलिए हमें मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो एनीकास्ट होता है वह उसको हमें उसमें यूज करना है मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले मोबाइल ले तो उसको हमें टीवी में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद उसमें आपको फ्री फायर गेम को कैसे प्ले करना है और उसमें कैसे खेलना है तो चलिए मैं सभी प्रोसेस आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले जो एलईडी टीवी है तो उसको मैं उल्टा करके जो एनीकास्ट है वही उसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ और कनेक्ट करने के बाद आपको जो मोबाइल है तो उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। तो चलो मैंने एलईडी टीवी को उल्टा कर दिया है और उल्टा करने के बाद जो एनीकास्ट होता है वही आपको सबसे पहले एलईडी टीवी में कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए जो एलईडी टीवी होता है तो उसमें जो VGA केबल होता है, जो HDMI केबल होता है, USB केबल होता है तो उसमें आपको USB में और जो HDMI में लगाना है। तो मैंने एनीकास्ट है वही मैंने HDMI में कनेक्ट कर दिया है और जो USB केबल है वही आपको चार्जिंग में भी कनेक्ट कर सकते हो और आपके LED टीवी में जो USB पोर्ट है तो उसमें आपको लगा देना है। तो चलो मैंने USB पोर्ट में लगा दिया है और HDMI में जो एनीकास्ट पे मैंने लगा दिया है। तो आपको इस तरह LED टीवी में एनीकास्ट को कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद चले हमें जो LED टीवी है वही मैं इस तरह रख देता हूँ और रखने के बाद चले मैं LED टीवी को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद आपको मोबाइल है वही आपको कनेक्ट करके फ्री फायर गेम है उसमें आपको प्ले कर सकते हो। तो हमारा LED टीवी है वही हमारा ऑन हो रहा है। तो चलो मैं वेट करते हैं और वेट करने के बाद आपको मोबाइल को कैसे कनेक्ट करना है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा LED टीवी है वही हमारा ऑन हो गया है। तो आपको इस तरह ऑन कर देना है जो एनीकास्ट आपको कनेक्ट किया है। तो इस तरह आपको कनेक्ट करने के बाद आपको ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद आपको जो टीवी में जो किसी भी जो इसमें आपको बटन को प्रेस करना है ऑन करने के लिए और ऑन करने के बाद उसमें आपको इनपुट सोर्स का बटन होता है वही आपको प्रेस करना है और उसमें आपको HDMI को सिलेक्ट करना है। जो उसमें AV होता है, जो उसमें VGA होता है तो आपको HDMI को सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको वेट करना है क्योंकि आपका एनीकास्ट उसमें कनेक्ट किया है वही हमारा उसमें शो हो जाएगा। तो स्क्रीन पर देख लीजिए कि हमने LED टीवी में एनीकास्ट को कनेक्ट किया है वही हमारा सही से उसमें ओपन हो गया और ओपन होने के बाद आपको मोबाइल में जो नोटिफिकेशन में जो उसमें कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन आता है तो उसमें आपको क्लिक करना है, जो स्क्रीन मिरर होता है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपका जो LED टीवी है तो उसका जो नाम है HDMI का उसमें जो यानी कास्ट का वही आपका मोबाइल में शो हो जाएगा। तो उसमें आपको क्लिक करके मोबाइल है वही आपको उसमें LED टीवी में कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हमारा जो LED टीवी है तो उसका नाम है वही हमारा मोबाइल में शो हो गया है। तो चलिए उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ और कनेक्ट करने के बाद चलिए मैं फ्री फायर को गेम को प्ले करके आपको बता देता हूँ और उसमें खेल के भी आपको बता देता हूँ कि मोबाइल में फ्री फायर गेम है भाई आपको उसमें कैसे खेलना है। तो हमारा जो मोबाइल है वह हमारा LED टीवी में कनेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड आपको वेट करना है क्योंकि उसमें जो प्रोसेस है वह हमारा स्टार्ट हो गया है कनेक्ट होने के लिए। तो आपको वेट कर देना है। तो चलो मैं वेट कर देते हैं। तो हमारा उसमें जो मोबाइल है वह हमारा LED टीवी में कनेक्ट हो गया है।
तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको इस तरह मोबाइल है भाई आपको एलईडी टीवी में कनेक्ट कर देना है। तो चलिए हमने कनेक्ट सही से कर लिया है। जो मैं मोबाइल में स्क्रॉल करता हूँ तो भाई हमारा सही से टीवी में भी स्क्रीन शो हो रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले मोबाइल में फ्री फायर गेम है भाई आपको ओपन कर देना है। तो चलो मैं गेम को ओपन कर देता हूँ मोबाइल में, तो जो हमारा टीवी में भी ओपन हो रहा है। तो आपको इस तरह ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद आपको वेट करना है, क्योंकि जो फ्री फायर गेम होता है भाई उसमें जो ओपन हो रहा है उसमें जो टाइम लगता है भाई आपको वेट करना है। तो उसमें जो लोगो है भाई हमारा टीवी में भी शो हो गए। तो चलो मैं वेट करते है और वेट करने के बाद आपको फ्री फायर गेम को टीवी में कैसे प्ले करना है, कैसे खेलना है, तो चलिए मैं आगे प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहना। तो अभी देख लीजिए कि जो फ्री फायर गेम है वह हमारा जो टीवी में ओपन हो रहा है। तो आपको इस तरह मोबाइल से कनेक्ट करके जो फ्री फायर गेम है वह आपको टीवी में इस तरह प्ले करके उसमें खेल सकती हो। तो चलिए मैं जो सभी प्रोसेस है वह मैं कंप्लीट कर देता हूँ और कंप्लीट करने के बाद चलिए मैं आगे प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस तरह मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ और क्लोज पे क्लिक करने के बाद चले स्टार्ट का बटन है तो इस बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आपको मोबाइल में स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है, क्योंकि उसमें जो टाइम है वह हमारा स्टार्ट हो गए ओपन होने के लिए। तो चले मैं सभी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका जो फ्री फायर गेम है मोबाइल में वह आपको आसान तरीके जो एलईडी टीवी में प्ले करके उसमें खेल सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा एलईडी टीवी है तो उसमें फ्री फायर गेम ओपन हो रहा है। तो चलो मैं वेट करते हैं, क्योंकि उसमें ओपन होने में जो टाइम लगता है। तो आपको कंप्लीट सभी प्रोसेस कर देना है और उसमें आपको मोबाइल में ओपन करके उसमें खेल सकते हो। तो जो मोबाइल की स्क्रीन है वह हमारा सही से टीवी में भी वर्क कर रहा है। तो आपको इस तरह मोबाइल है भाई आपको एनीकास्ट से टीवी में कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद आपको जो फ्री फायर में जो आपको मोबाइल में ओपन करते हैं तो इसी तरह आपका टीवी में ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आपको सभी प्रोसेस कंप्लीट कर देना है और मोबाइल में खेल के आपको टीवी में स्क्रीन में देख सकते हो। तो सही से हमारा जो सभी प्रोसेस है वह हमारा कंप्लीट हो रहा है। जो फ्री फायर गेम है वह हमारा मोबाइल में ओपन हो रहा है और टीवी में भी स्क्रीन शो हो गए। तो आपको इस तरह प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। तो अभी देख लीजिए कि फ्री फायर गेम है वह हमारा टीवी में स्टार्ट हो गए और मोबाइल में भी स्टार्ट हो गए। तो आपको जो मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलते हैं तो इस तरह आपको टीवी में स्क्रीन देख सकते हो हमारा सही से उसमें वर्क भी कर रहा है। तो जो मोबाइल में स्क्रीन में जिस तरह स्क्रॉल कर रहा हो वह हमारा टीवी में भी इस तरह शो हो रहा है। तो आपको इस तरह मोबाइल में गेम को खेल के टीवी में इस तरह देखना है, प्ले करना है, तो इस तरह आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो हमारा सही से जो सभी प्रोसेस है वह हमारा कंप्लीट उसमें वर्क कर रहा है। तो इस तरह आपको मोबाइल में फ्री फायर गेम खेल के टीवी में देखना है, जो इस तरह आपको टीवी में चलाना है तो वह आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि जो फ्री फायर गेम है वह हमारा सही से टीवी में वर्क कर रहा है। जो मैं मोबाइल में फ्री फायर गेम को खेल रहा हूँ तो इस तरह हमारा टीवी में सही से भी वर्क कर रहा है। लेकिन आपके पास जो स्मार्ट एलईडी टीवी है तो आपको एनीकास्ट की जरूरत नहीं है, उसमें आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारे पास जो स्मार्ट एलईडी टीवी नहीं है तो इस वजह से मैंने एनीकास्ट को कनेक्ट करके मोबाइल को टीवी में कनेक्ट कर दिया है। जो हमारा फ्री फायर गेम है वह हमारा सही से टीवी में वर्क कर रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि जो मैं मोबाइल में गेम को खेल रहा हूँ तो वह हमारा स्क्रीन टीवी में भी शो हो रहा है। तो आपको इस तरह जो फ्री फायर गेम है वह आपको टीवी में चलाना है, इस तरह जो खेलना है तो वह आपको आसान तरीके उसमें कर सकते हो। और हमारा जो कंप्लीट उसमें प्रोसेस है वह हमारा सही से वर्क भी टीवी में कर रहा है। तो हमें अभी देख लीजिए कि मैं मोबाइल में फ्री फायर जो गेम को रन जो खेल रहा हूँ तो वह हमारा सही से टीवी में भी वर्क कर रहा है। तो आपको इस तरह मोबाइल को कनेक्ट करके जो फ्री फायर गेम है वह आपको आसान तरीके उसमें खेल सकते हो। तो फ्रेंड जो सभी प्रोसेस था वह मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि मोबाइल में जो फ्री फायर गेम है वह आपको एलईडी टीवी में जो चलाना है, इस तरह जो गेम को खेलना है तो इस तरह आपको आसान तरीके कर सकते हो। अब देख लीजिए कि हमारा सही से उसमें वर्क भी कर रहा है। जो आपके मोबाइल में जितना नेटवर्क फास्ट है तो उसमें आपका जो गेम है
भाई आपका सही से टीवी में चल जाएगा। तो हमारा सही से जो चल रहा है, जो मैंने इंटरनेट का जो स्पीड है वही हमारा ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारा जो स्क्रीन है वही हमारा टीवी में कंप्लीट चल रहा है। तो आपको मोबाइल में जो फ्री फायर गेम है तो इस तरह आपको टीवी में चलाना है, जो टीवी में खेलना है तो इस तरह आपको मोबाइल को सबसे पहले कनेक्ट करके उसमें कर सकते हो। लेकिन आपको क्लोज करना है तो आपको जो एनी कास्ट है वही आपको क्लोज करके जो मोबाइल है वही आपको डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैंने फ्री फायर गेम को मैं क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद आपको जो एनी कास्ट है वही आपको उसमें क्लिक करके डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैंने सबसे पहले फ्री फायर गेम है वही मैं क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद आपको नोटिफिकेशन में जो स्क्रीन है, जो कास्ट स्क्रीन होता है, जो स्क्रीन मिरर है, तो आपने जो कनेक्ट किया है तो उसमें आपको क्लिक करके डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं डिसकनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा मोबाइल है वही हमारा टीवी से डिसकनेक्ट हो गया है। तो आपको इस तरह गेम को खेल के प्ले कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.